नेक्स्ट जो सवाल है कॉलोन ए और कॉलोन बी को मैच करना है। ये जो सवाल है 2020 में आपके एग्जाम में आया था। पहला है हुची मी जो आपको मैच करेगा वियतनाम, ऑप्शन बी में मैच होगा। नेक्स्ट है चाउ ई लाई, ये जो है ऑप्शन सी में चाइना में मैच होगा। सुकार्नो, ऑप्शन डी इंडोनेशिया का था। जनरल टोजो, यह ऑप्शन ए में मैच होगा जापान में। तो इस तरह से मैच करने के बाद ऑप्शन आपका डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट जो सवाल है 2020 में पूछा गया था फॉल्टन स्पीच वॉज डिलीवर बाई वेस्टर्न चर्चिल, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। विच फीमेल फ्रीडम इज नोन एज गांधीपुरी, गांधीपुरी किनको कहा जाता है महिला में, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मानतिंगिनी हाजरा, ये 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट जो सवाल है इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी हुई बुक है, ये 2019 में आया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है। 2019 में ये सवाल कॉलोन ए और कॉलोन बी मैच करना है। सबसे पहले आपको जो आता है उसको आप टच कर लीजिएगा, मिलाने के बाद आप मिला लीजिएगा ऑप्शन में तो सही हो जाएगा। हिरोशिमा ऑप्शन ए में ये मैच करेगा जापान। थैंक इन नू, ये जो मैच होगा सी में, दोबम एसोसिएशन। नेक्स्ट पर्बर हार्बर जो है इसका होगा ऑप्शन डी अमेरिका, और बाकी जो है ऑप्शन बी में मैच होगा। इस तरह से ऑप्शन ऑप्शन ए का एक का ए में होगा और ये सी में मैच होगा, पर्ल हार्बर जो है ये डी में होगा और बाकी जो है बी में। सही है ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है द डिमांड ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान वाज रेज्ड एट द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ, ये जो सवाल पूछा गया था 2016 और 2018 में पूछा गया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए लाहौर। द पंपलेट नाउ एंड नेवर वाज रिटन बाय, ये एक बुक है किसने लिखा था, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में 2018 में। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी चौधरी राहत अली। नेक्स्ट जो सवाल है इसे भी आपको मैच करना है कॉलोन ए और कॉलोन बी को, तो आप इसे सबसे पहले जो आपको आता है उस तरह से आप मैच कर लीजिए। तो मैक्सिम लिथविनोव, ये मैच होगा ऑप्शन सी में, सोवियत फॉरेन मिनिस्टर थे वो। वेस्टर्न चर्चिल जो थे ऑप्शन ए में, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन ए। जोसेफ स्टीलिंग जो थे वो जो थे ऑप्शन रसिया के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, और हैरी टर्मन जो थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इस तरह से मिलाने के बाद आप देखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है जनरल नकीब वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ, ये 2018 में आया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए इजिप्ट के वो जनरल नकीब मिलिट्री कमांडर थे। द नवल रिवॉल्ट बिगेन फर्स्ट, ये 2015 में पूछा गया था। तो नवल रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था ऑन द तलवार शिप, तलवार नामी जहाज पर। नेक्स्ट जो सवाल है सुभाष चंद्र एब्सकेंडेड फ्रॉम कलकत्ता ऑन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 17 जनवरी 1941 ईस्वी में। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया डिक्लेयर बाय द सुकार्नो वाज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1945। नेक्स्ट अंडर विच प्राइम मिनिस्टर वाज द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन ऑफ द 1990 इनिटेटेड, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी पीबी नरसिम्हा रॉय। अगला जो सवाल है वेयर वाज द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सेटअप, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फॉर्मेट गवर्नमेंट जो था
कहाँ पर कायम किया गया था? सिंगापुर में। अगला सवाल, इंडो सोवियत ट्रीटी वॉज साइन, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में इंडो सोवियत का मुआहदा हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है, हु सेड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला जो सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज इस्टेब्लिश बाई, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने कायम किया था, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर साल पूछ लिया तो 1939 ईस्वी में इसकी बुनियाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखा था। नेक्स्ट जो सवाल है, कोलोन ए और कोलोन बी को मैच करना है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वाज द स्टॉफर्ड क्रिप्स, स्टॉफर्ड क्रिप्स कौन थे, आंसर होगा इसका डी वेल नोन सोशल वर्कर एंड लीगल एक्सपर्ट। अगला सवाल, द क्रिप मिशन कैम टू इंडिया ऑन, तो 22 मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप मिशन हिंदुस्तान आया था, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा।